जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आप सबसे श्री माता वैष्णो देवी जी के यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ और नई बड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ पूरा ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमने व्हाट्सएप पर ट्रेन राइडर का चैनल बना दिया है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। आपको क्लिक करके हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है, जिससे आपको माता रानी की यात्रा से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी, वीडियोस, फोटोज सबसे पहले व्हाट्सएप पे ही प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं ट्रेनों की। देखिए, इस समय फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है पंजाब में, जिसके वजह से भारतीय रेलवे द्वारा कई सारे ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कई सारे ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में आप सबके स्क्रीन पर ट्रेनों का लिस्ट भी दिख रहा होगा, जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा जो है पब्लिक किया गया है, जहाँ पर कई ट्रेनें कैंसिल हैं, रूट डाइवर्ट है। तो ऐसे में आप सबको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यानी स्टेशन जाने से पहले रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके अपनी ट्रेनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है कि आपकी ट्रेनें चल रही हैं कि नहीं, आपकी ट्रेनें कैंसिल तो नहीं है, उनका रूट तो डाइवर्ट नहीं है। क्योंकि सभी ट्रेनों की जानकारी इस वीडियो में देना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप चाहें तो रेलवे के टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहां भी देख सकते हैं कि आपकी ट्रेनें चल रही हैं कि नहीं, कैंसिल तो नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगा। और ऐसे में रेलवे ने ये कन्फर्म नहीं किया कि ट्रेनें कब तक कैंसिल रहेंगी, कब तक रूट डाइवर्ट होगा, कोई डेट स्पेसिफिक नहीं डिसाइड हुआ है। सिर्फ कल का ट्रेन कैंसिल था और आज की कई ट्रेनें कैंसिल है, कई सारी ट्रेनें का रूट डाइवर्ट है, कई सारी ट्रेनें लेट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए पहले ही आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्पेशल ट्रेनों की। जैसा कि हमने कल ही वीडियो बनाकर आप सबसे जानकारी साझा की थी कि भारतीय रेलवे द्वारा दो नए स्पेशल ट्रेनों का संचालन माँ भगवती की यात्रा के लिए शुरू किया गया है। यानी पहली जो ट्रेन शुरू हुई है वो नई दिल्ली से कटरा के बीच शुरू हुई है, और दूसरी जो स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है वो वाराणसी से कटरा के लिए शुरू हुई है। ऐसे में हमने कल डिटेल बताया है कि कब कब वो चल रही हैं, क्या उसकी डेट है, क्या उसके टाइमिंग्स है। तो आप वो वीडियो को वॉचआउट कर लीजिएगा जो कल हमने अपने चैनल पर पब्लिक किया हुआ है। अब बात कर ली जाए कि ट्रेनों की जो बुकिंग है ना, वो शुरू कर दी गई है। यानी दिल्ली से कटरा के लिए जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ था, उसकी बुकिंग भी अब IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे खुल चुकी है, ओपन कर दी गई है। और वाराणसी से कटरा के बीच भी जो स्पेशल ट्रेन चलने वाली थी, उसकी भी बुकिंग जो है IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन कर दी गई है। तो आप सब जल्दी से जाइए और बुकिंग कर लीजिए। कल हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही बुकिंग ओपन हो जाएगी, हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी शेयर कर देंगे। तो ऐसे में ये सभी प्रकार से जानकारी थी ट्रेनों की। जाने से पहले ट्रेनों के बारे में सभी अपडेट जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा और तभी अब अपनी यात्रा की शुरुआत करिएगा। वैसे देखिए, ट्रेनों का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं डिसाइड है, मैं फिर से कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी ट्रेनें चल रही हों, हो सकता है कि आपकी ट्रेनें आने वाले कुछ समय के लिए भी फिर से कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये किसान आंदोलन जब तक पंजाब में चलेगा तब तक ऐसे ही शेड्यूल रहने के चांसेज हैं। और इसकी ऑफिशियल जानकारी IRCTC के वेबसाइट से भी मिली है, इंडियन रेलवे के पोर्टल से भी मिली है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक भी दे देंगे, जहां से आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे ट्रेनों का शेड्यूल दिखाया गया है। अब बात कर ली जाए श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की। देखिए, इस समय माँ भगवती की कृपा से यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और यात्रा में इस समय बढ़ोतरी हो रहा है, यानी भक्तों की रौनक बढ़ रही है। रोजाना लगभग 30,000 श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप माँ भगवती का यात्रा का प्लान कर रहे हैं, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ यात्रा पर जाइएगा। जितने भी आपके प्लानिंग्स होंगे उसको करके जाइएगा कि आपको यात्रा कब शुरू करना है, कैसे पहुंचना है, आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा सफल होगी। इसके साथ साथ अगर आप अक्टूबर महीने में माँ भगवती के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो हमने सितंबर और अक्टूबर महीने की जो एक वीडियो बनाई है उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको और नई नई जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। और नवरात्रों में माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो 3 महीना पहले ही हमने नवरात्रि अपडेट के ऊपर वीडियो बना रखा है, उसे भी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बात कर ली जाए इस समय RFID कार्ड की, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यात्रा शुरू करने का पहला प्रोसेस RFID कार्ड होता है। बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। तो RFID कार्ड कटरा में पहुंच के जितने भी काउंटर्स बनाए गए हैं वहां से आप प्राप्त कर लेंगे और अपनी यात्रा की शुरुआत आप
कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए बुकिंग्स की, तो देखिए अगर आपकी बुकिंग्स हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बुकिंग्स नहीं मिला है तो कटरा के अंदर बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जहाँ जाके आप बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा ऑफलाइन तो वो आपको दे देंगे, अगर नहीं मिलता है ऑफलाइन भी तो फिर भवन पर दुर्गा भवन बना हुआ है वहाँ पता कर लीजिएगा, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो फिर भवन पे दुर्गा भवन में निःशुल्क एकोमेंडेशन है, फ्री धर्मशाला है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं और वहाँ आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लगभग रात को 8-9 बजे के आसपास धर्मशाला भवन पे खुल जाता है और वहाँ पे आप जाके आराम से रुक सकते हैं। सुविधाओं की बात कर ली जाए तो माता रानी की कृपा से सुविधाएं हर प्रकार की मिल रही भक्तों को, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, भक्त माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं और आराम से जो है भक्त इस समय यात्रा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी ट्रेनों से जुड़ी हुई थी, इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो बना के आपसे जानकारी शेयर कर दें। अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, माता रानी की यात्रा पे आप जा रहे हैं और आपको प्रश्न पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वहाँ रिप्लाई में लेट होता है, आपको रिप्लाई वहाँ नहीं मिलता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाइए ट्रेन राइडर के नाम से, वहाँ पे आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी यात्रा सफल रहेगी। हम माता रानी से यही प्रार्थना आपके लिए करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। मैं हूँ आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।